लेसन्स राधिका गौर और शुरू करने वाले हैं हम अपना एक नया चैप्टर सरल समीकरण के बारे में। इस चैप्टर का नाम सरल समीकरण क्यों पड़ा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्यों? क्योंकि जो समीकरण होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समीकरण भी होते हैं, बट आपके लिए दैट इज़ आपकी क्लास में कक्षा 7 में सिर्फ आपको सरल समीकरणों को ही पढ़ना है, सिंपल इक्वेशंस को ही पढ़ना है। तो इस सेशन में हम वही पढ़ेंगे कि जो समीकरण है वो कैसे बनाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 दैट इज सरल समीकरण, एंड चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में संक्षिप्त में वर्णन। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि जो समीकरण है वो होते क्या हैं। तो समीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशंस। क्या कहते हैं? इक्वेशंस। और सरल समीकरण का मतलब क्या होगा? सरल का होता है सिंपल। तो सरल समीकरण मतलब सिंपल इक्वेशन। तो संक्षिप्त रूप में एक समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है। क्या होता है? चर पर एक प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध यह है कि दोनों व्यंजकों के मान बराबर होने चाहिए। ध्यान दीजिए कि इन दोनों व्यंजकों में से कम एक में चर अवश्य होना चाहिए। मतलब ये 3x + 5 = 0, ये क्या हो गया? एक तरीके का सरल समीकरण हो गया। क्या हो गया? सरल समीकरण हो गया। तो ये जो इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं इन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं, कैसे ये हमारे वैरी करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि आपसे पूछा जाता होगा कि आप समीकरण बनाइए, आप समीकरण बनाइए। जैसे सपोज करो, क्वेश्चन मैंने दे दिया कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है, x और 4 का योग 9 है। तो आप कैसे लिखेंगे x और 4 का योग 9 है? ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, आप लिखेंगे x और 4 को जब योग करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 9 के बराबर आएगा। ये आपने इसको ऐसे लिख दिया। ये किसके रूप में लिख दिया आपने? सरल समीकरण के रूप में आपने इसको लिख दिया। तो यही चीज़ें हैं जो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y में से 2 घटाने पर आपको 8 मिलता है। तो हम कैसे लिखेंगे? y है, उसमें से 2 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। ये भी एक तरीके का क्या हो गया? सरल समीकरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। a का 10 × 70 है। a का 10 × कितना है? 70 के बराबर है। ये भी आपका सरल समीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या b को 5 से भाग देने पर हमें कितना मिलता है? 6 मिलता है। ये भी हमारा एक सरल समीकरण हो गया। t का 3/4 किसके बराबर है? 15 के बराबर है। 3/4 मतलब 3/4 किसका? t का। किसके बराबर है? 15 के। तो इक्वेशन होगी t × 3/4 = 15। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। अब बात आती है कि जो हमारा चर है, जो चर है वो क्या चीज़ होती है। तो देखिए, चर को समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। शब्द चर वेरिएबल का अर्थ है ऐसी कोई वस्तु जो विचरण कर अर्थात बदल सकती हो। कोई भी वस्तु जो बदल सकती है उसे क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। एक चर विभिन्न संख्यात्मक मान ले सकता है, अर्थात इसका मान निश्चित या स्थिर नहीं होता है। चरों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर x, y, z, l, m, n, p इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। चरों में हम व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन को बनाते हैं। यह व्यंजक चरों का योग, व्यकलन, गुणन एवं विभाजन जैसी संक्रिया करके प्राप्त बनाए जाते हैं। देखिए, इसमें चर क्या है? x क्या है? यहाँ पे चर है। क्या है? x चर है। मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, -1 हो सकती है, -4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये क्या है? एक वेरिएबल है। ये वेरी कर सकता है, ये कभी फिक्स नहीं रहता। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम चर कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आती है कि जो समीकरण है वो क्या चीज़ होती है। तो देखिए, एक समीकरण में समता या समिका इक्वालिटी का चिन्ह सदैव होता है। मतलब जो भी कोई समीकरण है उसमें बराबर का चिन्ह होता है। समता का चिन्ह यह दर्शाता है कि यह चिन्ह के बाईं ओर के व्यंजक मतलब बायां पक्ष
का मान जो है चिन्ह के दाईं ओर के व्यंजक मतलब दाएं पक्ष के मान के बराबर होगा। मतलब एक समीकरण में एक होता है LHS, एक होता है RHS। समीकरण के बीच में जो बराबर होता है वो ये दर्शाता है कि जो LHS का मान है वो RHS के बराबर होगा। कैसा होगा? बराबर होगा। मतलब ये यदि आपको इक्वेशन दे रखी है 4x + 5 = 0, तो कहने का मतलब ये है कि 4x + 5 का जो भी मान आएगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और ऐसे में फिर हमें x की ऐसी ही वैल्यू रखनी पड़ती है जब 0 का यहाँ इस इक्वेशन का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रख के चलना पड़ता है और यही चीज़ है जो समीकरण कहलाती है। तो समीकरण क्या होता है, आपको समझ में आया? ये एक बेसिकली प्रतिबंध होता है और ये चीज़ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि उसमें चर की वेरिएबल की कितनी बड़ी भूमिका रहती है। अच्छा देखिए, यदि LHS और RHS के बीच में समता चिन्ह के अतिरिक्त कोई और चिन्ह हो तो वह समीकरण नहीं होती है। समीकरण नहीं होती है मतलब यदि 4x + 5 = 65 लिखा हुआ है तो ये समीकरण है, ये समीकरण है, लेकिन 4x + 5 > 65 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो ये समीकरण नहीं है। क्लियर? तो हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये जो कथन है ये हमें ये बताता है कि 4x + 5 का मान 65 से बड़ा है, ठीक है, तो ये समीकरण नहीं है। सेम 4x + 5 का मान यदि 65 से छोटा है ऐसे भी होता तो भी ये समीकरण नहीं होता, ठीक है। तो समीकरण कौन सा होता है? समीकरण वो होता है जहाँ पे दोनों के मान बराबर हो। कैसे हो? बराबर हो। क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखिए हम समीकरणों का एक सरल और उपयोगी गुण देखते हैं। समीकरण 4x + 5 = 65 वही है जो समीकरण 65 = 4x + 5 होगा। मतलब दोनों ही सेम है। चाहे आप किसी भी संख्या को LHS साइड लिख लो, चाहे RHS साइड लिख लो, लेकिन दोनों का मान सेम होगा, दोनों समीकरण सेम होगी, ठीक है। तो किसी समीकरण के दाएं और बाएं व्यंजकों को आपस में बदलने पर समीकरण वही रहती है। क्या? किसी समीकरण के यदि दाएं और बाएं के व्यंजकों को आपस में बदल देंगे तो समीकरण वही रहेगी। यह गुण बहुधा समीकरणों को हल करने में उपयोगी रहता है। क्लियर? तो हम कैसे समीकरणों को हल करते हैं इस गुण का उपयोग करके, ये भी मैं आपको इस सेशन में समझाऊंगी, तभी आप समझेंगे कि मेरा कहने का मतलब क्या था। अब देखिए एक उदाहरण लेके चलते हैं और इससे आपको काफ़ी अच्छे से समीकरणों के बारे में नॉलेज हो जाएगी। देखिए निम्नलिखित कथनों को समीकरणों के रूप में लिखना है। x के तिगुने और 11 का योग कितना है? 32 है। तो x का तिगुना क्या हुआ? 3x। तो 3x और 11 का योग कितना हुआ? 32 हुआ। तो 3x और 11 के योग को हम लिख सकते हैं 3x + 11। ये योग किसके बराबर है? 32 के बराबर है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3x + 11 = 32, ठीक है। दूसरा देखिए, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इस्तेमाल लेंगे एक संख्या z है, उसका 6 गुना कितना हो गया? 6z हो गया। 6z में से हमें 5 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6z - 5। इसका परिणाम किसके बराबर आएगा? 7 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि वांछित मान हमारा कितना हो गया? 6z - 5 = 7। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये था m का एक चौथाई 7 से 3 अधिक है। m का एक चौथाई, तो देखिए m का एक चौथाई 7 से 3 अधिक है, तो हमारा m है, ठीक है, उसका एक चौथाई मतलब m बटा 4 कितने से अधिक है? 7 से 3 अधिक है। तो हम कह सकते हैं कि जो m बटा 7 है वो 3 अधिक है। तो वांछित समीकरण को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा ये है, वांछित संख्या को यदि हम n मान लेंगे तो n का एक तिहाई n बटे 3 हुआ, जमा एक तिहाई जो है वो कितना है? n बटा 3 + 5 है, और वो किसके बराबर है? 8 के बराबर है।
तो ये हमारा वांछित समीकरण हो गया। तो किसी भी समीकरण को हम आसानी से बना सकते हैं, बस हम देखते हैं हमें दिया क्या क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ पे, वहाँ पे हमें क्या दिए गए थे, वहाँ पे हमें कथन दिए गए थे और कथन के बेसिस पे हमें समीकरण बनानी थी। यहाँ पे हमें समीकरण दी हुई है और उनके बेसिस पे हमें कथन बनाने हैं। तो देखिए, x माइनस 5 बराबर 9, तो हम लिख सकते हैं x में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होता है, ये कथन हो गया। दूसरा देखिए, 5p बराबर 20, मतलब हम कह सकते हैं एक संख्या p का 5 गुना कितना होता है, 20 के बराबर होता है। क्या दिया हुआ है, 3n प्लस 7 बराबर 1, हम लिख सकते हैं 1 प्राप्त करने के लिए n के 3 गुने में हमें क्या जोड़ना है, 7 जोड़ना है, ये ऐसे लिख सकते हैं। चौथा देखिए, m बटे 5 माइनस 2 बराबर 6, तो हम लिख सकते हैं किसी संख्या m के 1/5 भाग में से 2 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम ऐसे क्या करते हैं, क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेते हैं। और क्वेश्चंस को हल करने का तरीका जैसा मैंने आपको बताया बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन और देखिए, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है। राजू की आयु ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाना है। तो देखिए, हमें राजू की आय ज्ञात नहीं है, हमें राजू की आय ज्ञात नहीं है, तो हमें उसको हम x वर्ष मान लेंगे। राजू की आयु क्या 3 गुना कितना हुआ, 3y वर्ष हुआ। राजू के पिता की आयु 3y वर्ष से 5 अधिक है, तो मतलब 3y प्लस 5 वर्ष है उसकी। और ये भी दिया है कि उसकी आयु 44 वर्ष है राजू के पिता की आयु, तो हम लिख सकते हैं 3y प्लस 5 बराबर 44। तो हल करेंगे, 3y बराबर 44 माइनस 5, तो 3y बराबर आ जाएगा 39, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 39/3। ठीक है, तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, राजू के पिता की आयु मिल जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 2 प्रकार की पेटियों में आम बेचता है। यह पेटियां छोटी और बड़ी हैं। एक बड़ी पेटी में 6 छोटी पेटियों के बराबर आम और 4 खुले आम आते हैं। प्रत्येक छोटी पेटी में आमों की संख्या बताने वाला एक समीकरण बनाइए। दिया हुआ है कि एक बड़ी पेटी में आमों की संख्या 100 है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि एक छोटी पेटी में आमों की संख्या m है। बड़ी पेटी में m के 8 गुने से 4 अधिक आम है, मतलब m के 8 गुना 8m में 4m जोड़ देंगे, टोटल कितनी होती हैं उसमें, 100 होती हैं। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमें छोटी पेटी में आमों की संख्या हमें मिल जाएगी। समीकरण को सॉल्व करने के लिए 8m बराबर 100 माइनस 4 करेंगे, तो 8m बराबर हो जाएगा 96, m बराबर हो जाएगा 96/8। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी उत्तर आएगा इतने आमों की संख्या हमारी छोटी पेटी में होगी। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित स्थितियों की समीकरण बनानी है। देखिए, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, उसके पास 5 कंचे से 7 कंचे अधिक हैं, उस 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं, इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो देखिए, परमीत के कंचों की संख्या एम मान लेंगे, तो 5 गुने मतलब 5m में यदि 7 प्लस कर देंगे तो 37 इसके बराबर आ जाएगा। इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी है, 49 वर्ष है। उसकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो यदि हम बाई मानेंगे 3y, उनमें 4 प्लस कर दें वो 49 के बराबर आएगा, तो ये इक्वेशन आ गई। तो बहुत ही आसान होता है किसी भी इक्वेशन को बनाना, बस हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, उसको लिखते जाते हैं और हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो यही था आज के सेशन में, जहां हमने पढ़ा इक्वेशंस के बारे में, हमने देखा इक्वेशंस क्या होती हैं, जो 4 वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं, हमने ये भी देखा समीकरण को बनाया कैसे जाता है, और हमने देखा कि किसी भी कथन से समीकरण कैसे बना सकते हैं और किसी से भी समीकरण को कथन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड।